सालों से मैं सिद्धार्थ को जानता हूँ, जब सिद्धार्थ खुद गाना गाते थे और आज भी अच्छा गाते हैं, लेकिन ऑफकोर्स आज वो प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर हैं और उनकी फिल्म आ रही है बहुत जल्दी हिचकी, और साथ साथ बहुत सारे, एक साल में एल्केमी ने जितने, मतलब आज का जो वातावरण है टीवी पर, तो उस हिसाब से एल्केमी ने जो सक्सेस एक साल में उन्होंने प्राप्त किया, इतने सारे हर चैनल में उनके शोज चल रहे हैं और मेगा सीरियल अभी शुरू हो रही है हासिल, जिसमें मतलब मेरे बहुत ही अजीज़ दोस्त जाहिद खान है और वत्सल है। तो आई थिंक इट्स फैंटास्टिक कि टेलीविज़न में आज जब लोग यू नो और छोटे और सिंपल स्टोरीज पे जा रहे हैं, एल्केमी मेगा सीरियल्स बना रही है, लव का इंतज़ार भी बहुत ही एक बड़े पैमाने में उन्होंने बनाया। सो आई थिंक घर बैठे बैठे टेलीविज़न पर अगर आप कोई सिनेमा स्कोप एक्सपीरियंस अगर कोई आज की तारीख में दिला रहा है तो वो है एल्केमी, और डेली शोज में इस तरह का स्टैंडर्ड रखना बहुत मुश्किल है, लेकिन इनकी एक्सपीरियंस इतनी कमाल की है। सिन्वेस्टा के बाद अपना खुद का कंपनी शुरू करना बहुत ही डेयरिंग बात थी, लेकिन दोनों मियाँ बीवी ने बहुत ही एक कमाल की मतलब एक मतलब मोटिवेशन दिखाई कि अगर कुछ करना है तो हम कर सकते हैं, और वाकई एल्केमी का मतलब होता है कि आप डस्ट से सोना निकालते हो, उस तरह से इन्होंने हर सीरियल में मतलब सुनहरा बना दिया है हर सीरियल को। और ऑन अ पर्सनल लेवल मैं, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं बहुत करीब का दोस्त हूँ सिद्धार्थ और सपना का, तो आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ देम, वेरी हैप्पी। इस शाम को डिस्क्राइब करना हो, शाम को डिस्क्राइब करना हो, यानी बस दोस्तों की शाम है और बहुत बहुत धमाल करेंगे। फिलहाल यार सवाल थोड़ा सा शायराना है, समझ नहीं पा रहा हूँ। हाँ, गाने का अभी जो हासिल सीरियल आ रहा है तो उसमें मैंने जो गाना कंपोज किया है, गाया है, वही थोड़ा सा आपको सुना दूँ, थोड़े से वर्ड याद नहीं आ रहा है, बट बिल्कुल उनकी हर खुशी मेरी खुशी से जुड़ी है, मेरी हर खुशी मेरे दोस्त की खुशी से जुड़ी है, और बस मैं यही चाहता हूँ कि वो सारी खुशियाँ वो हासिल करें और एल्केमी इंडिया का नंबर वन टेलीविजन प्रोडक्शन हाउस बने, बस यही हम दिल से दुआ करें। भाई मैं यही कहूँगा कि हर कोई प्रोडक्शन हाउस के पीछे लोग होते हैं और वो लोग ही वो प्रोडक्शन हाउस को बनाते हैं और वो लोग ही उसकी काबिलियत और सक्सेस को बनाते हैं, और एल्केमी के पीछे ये है। क्या टाइमिंग है, माइंड गोइंग टाइम। यही बोला था कि ये का सवाल ये था कि एल्केमी के बारे में क्या कहना चाहते हैं और उसके पीछे का क्या। मैंने बोला कि यार हर कोई कंपनी के पीछे एक आदमी होता है या एक औरत होती है या लोग होते हैं और लोग ही कंपनी बनाते हैं, और ये बंदा जो है सचमुच, मैं कुछ बोलने नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं यही कहूँगा कि ये हाई समान है। अब तक इनकी अंदर इनके जो कॉम में, इनके जो स्कूल में है, ये है कि मुझे क्रिएटिव बनना है, मुझे सबसे ज़बरदस्त शो बनाना है, मुझे सबसे ज़बरदस्त पिक्चर बनानी है, और जब तक ये लोग हैं तब तक हम हैं। बस एल्केमी के पीछे सिद्धार्थ मल्होत्रा, माय ब्रदर, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग। एल्केमी के संग जाहिद खान हमेशा रहेंगे। बिल्कुल हासिल के नाम, वनडे देखिएगा। आपने तो बोला, अभी सवाल भी पूछो। नहीं, बस मैं यही कहूँगा कि सचमुच थैंक यू वेरी मच सिद्धार्थ मल्होत्रा, एल्केमी। यकीनन मुझे पता नहीं था कि मेरे अंदर वो काबिलियत थी कि मैं ये करूँ, ये इतनी बड़ी शो और इतना कॉम्प्लिकेटेड जो कैरेक्टर है, सचमुच मुझे नहीं पता था, लेकिन एक दोस्त ने हाथ दिया और
बाकी आप 30 तारीख को देखिए। मुश्किल है भाई, टेलीविजन मुश्किल है, लेकिन जब तक दर्द नहीं है तब तक मर्द नहीं बनता है। देख मैं यही कहूंगा कि यार टेलीविजन जितना छोटा पर्दा लगता है ना उतना ही बड़ा है। मैं बार बार हमेशा सबसे कहता हूँ कि 70% लोग इंडिया में टेलीविजन देखते हैं, सिर्फ 20% पिक्चर जाके देखते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब तक आप रीच आउट नहीं करते हो अपने चाहने वाले से, अपने फैन से, कि यार शायद गलती हो गई लेकिन मैं आपको टिकट का खर्चा नहीं काटने दूंगा जब तक मैं अपने आप को प्रूफ नहीं करता हूँ। और मकसद तो यही है कि सबका भरोसा और सबका प्यार हासिल करना है। वो मैं बाद में बताता हूँ। थैंक यू। मैं सबसे पहले तो हैप्पी एनिवर्सरी कहना चाहूँगा। 1 साल का बच्चा तो दरअसल बहुत छोटा होता है, लेकिन ये तो बहुत बड़ा है एल्केमी, और बड़ा होने वाला है। ये उन बच्चों में से है जो होनहार विद्वान के हो जितने बात बोलते हैं उसी तरह का ये एल्केमी है। और मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं इस प्रोडक्शन हाउस को और साथ साथ मेरे बच्चे को जिसका नाम है सिद्धार्थ। मेरे सामने पैदा हुआ है, जब वो पैदा हुआ था जो मुझे मालूम पड़ा तो मैं पहले ही दिन उसको देखने के लिए हॉस्पिटल गया था और उसको मैंने अपने हाथों से यूँ उठा के उसको देखा था। तब से लेके हमारा एक रिश्ता है। मेरे सामने जो बच्चे पैदा हुए हैं और जो आज बड़े हो गए हैं उन्हीं को हक है मुझे अंकल कहने का, और इसलिए सिद्धार्थ मुझे अंकल कहता है। और हम दोनों के बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है और शुरू से लेकर अब तक है और आगे भी रहेगी। थैंक यू। बेस्ट विशेस टू सपना सिद्धार्थ सर, यू नो उनकी मेहनत है कि एल्केमी आज 1 साल पूरा कर चुका है। यू नो इट्स गिवन अ रियली क्यूट शो। मैं एक तो मैं भी कर चुकी हूँ, मैं एक दिन के शूट किया था। व्हाट वाज इट, इट वाज इच्छा प्यारी नागे। सो आई जस्ट होप दैट जो नया शो आ रहा है, यू नो दैट ऑल्सो गार्नर्स अ लॉट ऑफ टीआरपीज, बिकॉज़ टीआरपीज आर इम्पॉर्टेंट। और आई एम श्योर आई एम गोइंग टू लाइक इट, क्योंकि मैं खुद इन लोगों के यू नो दो शोज का हिस्सा रह चुकी हूँ और आई नो दैट देयर कंटेंट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पीपल लाइक देयर शोज एंड डेफिनेटली बहुत जल्दी फैंस बनने वाले हैं नए शो के। सो ऑल द बेस्ट। हासिल का प्रोमो वर्ल्ड क्लास लगा। आई शुड से कि मुझे कभी कभी ऐसा लगा कि मैं कोई मूवी देख रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जायद उसमें है तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक यू नो यू वॉचिंग अ मूवी एंड बत्सल है एंड सो इट्स अ वेरी नाइस कास्ट एंड आई थिंक इट्स गोइंग टू गो वेल। मुझे अभी भी रियल लाइफ से ब्रेक मिला है, मुझे 3 साल 3.5 साल के बाद ब्रेक मिला है और
अनफॉर्चुनेटली मुझे डेंगू हो गया, इस पूरे महीने में बहुत ज़्यादा अनवेल रही हूँ मैं, अभी भी वीक हूँ, अ लिटिल जिटरी, तो लेट्स सी मैं अब क्या करती हूँ, आई हैव अ लिटिल रेस्ट, आई माइट गो टू सम प्लेसेस, यू नो, थोड़ा हॉलीडेइंग करूँगी, उसके बाद आई गेट बैक टू वर्क. थैंक यू. यार मैं आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू एवरीवन. इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट, एक साल हो गया है एंड वो अपना शो को भी 200 एपिसोड्स हो गए हैं एंड इट्स टाइम टू सेलिब्रेट. कांग्रेचुलेशंस. यार इट लुक्स ग्रेट, आई सॉ द लेटेस्ट प्रोमो एंड इट्स बीन शॉट रियली वेल, द स्टोरी इज वेरी गुड, मैंने मुझे पता है कहानी क्या है. And the great actors and super producer, good director. I think it's got all the combinations, so I just wish them all the best. It should be good. Thank you. Congratulations to Siddharth and Sapna and the entire team at Alchemy. I think it's a fabulous journey because it started from actually from scratch, and they've reached so many shows in this period of time. So the credit goes to both of them, the teamwork and the dedication and the effort and the energy. And Siddharth is like really, really talented in the work he does. So all the best. Yeah, start from here. सिद्धार्थ के साथ मैंने भी एक शो कंप्लीट किया है, लव का इंतज़ार, और बहुत अच्छा शो था, अच्छा चला था स्टार के साथ. सो आई विश हिम ऑल द बेस्ट. ठीक ठाक, नया शो अभी शुरू होने वाला है सोनी चैनल पे, और बाकी भी काफ़ी काम कर रहे हैं, तो एक साथ उन्होंने बहुत अच्छे शोज निकाले एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट एंड गुड सक्सेस. Red is hot, black is hot. For once, we didn't plan what we were going to wear. We actually have both had two busy days and we landed up wearing the same clothes. I think you look very handsome. You look lovely. खुशी हो रही है क्योंकि हासिल अभी दो दिनों में आने वाला है एंड ऑफ कोर्स ऑल ऑफ अस हैव दिस नर्वस एक्साइटमेंट अपने हमारे अंदर, तो इट्स अ गुड वे टू सेलिब्रेट आई थिंक, बिकॉज ऑल ऑफ अस आर गोइंग थ्रू द सेम इमोशन जितने भी हम टीम मेंबर्स हैं, तो आई थिंक आज इस पार्टी के जरिए वी ऑल आर गोइंग टू काइंड ऑफ लेट गो ऑफ व्हाटएवर वी ऑल आर फीलिंग अबाउट हासिल. ऑफ कोर्स मेरे एक्सपीरियंस में ऑल्सो दिस इज़
I think the biggest I have seen on television. And trust me, I am so glad and I feel so blessed कि मुझे इतने बड़े शो का पार्ट होने का मौका मिला है. ऑफ कोर्स सिद्धार्थ एंड सपना द डार्लिंग्स दे आर, दे हैव पुट अ लॉट इनटू दिस, दे पुट देयर हार्ट एंड सोल एंड ऑफ कोर्स दे कंप्लीट वन ईयर विद देयर प्रोडक्शन हाउस. आई वांट टू एक्चुअली कंग्रेचुलेट देम एंड आई वांट टू थैंक सिद्धार्थ दैट ही शोन फेथ इन मी एंड ही इज चोजन मी टू प्ले आजकल फॉर हासिल. आई एम कीपिंग फिंगर्स क्रॉस एंड आई नो इट्स गोना डू वेल. थैंक यू सो मच जी. आज मैंने रिबेका दीवान की ड्रेस पहनी है एंड आई हैव ट्राइड टू कीप समथिंग वेरी सिंपल. जनरली पीपल आर वेरी स्केयर्ड टू एक्सपेरिमेंट विद वाइट, सो आई हैव सेड दैट आज तो आर रिस्क लेते हैं, लेट्स ट्राई समथिंग वाइट. आउटडोर शूट ऑफ कोर्स आई थिंक एक कॉमन चीज़ जो हम सब ने बोली है that is that this has been by far our most fun outdoor. I think after coming back all of us wanted to go back and shoot again. Itna maza kisi ko bhi itne outdoor pe nahi aaya jitna all of us have had fun. So I'm just hoping and of course there are very beautiful shots that have come out, so I'm just hoping that the audience can appreciate it as much. कॉम्प्लीमेंट्स तो टच वर्ड अभी तक बहुत पॉजिटिव मिले हैं एंड आई थिंक आगे भी ऐसा ही होगा. बट आई एम ग्लैड दैट पीपल हैव अप्रिशिएटेड द प्रोमो, दे लाइक द प्रोमो, सो वी कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस कि उतना अप्रिसिएशन हमारे एपिसोड्स को मिले. थैंक यू. About this guy is that he never meets and he keeps making fun of people but you know what, I don't care because I love these two. I don't need to look at you. No, I love you. No, you only spoke good things about him, by the way, because isko kharab cheeze bolne do na mere bare mein. Main to I just love this guy, you know, whatever he can do he's allowed. I haven't done anything for because he feels jealous. Boss, why can't I do it? Okay. Why can't I do it? What? Okay.
मुझे पता था ये आएगा या मुझे पता था कि हंसेगा या इसकी आदत है कि मैं जो कुछ पहनता हूँ ये ये ग्लास बना है बिकॉज़ बहुत सारी अच्छी लड़कियां आई है इसकी नजरें दिखे नहीं ये टीजे के लिए था कि पॉप कर देगा मजा आ जाएगा अच्छी बाय एक साल अल्केमी के लिए यू नो सिद्धार्थ इज सच अ क्रिएटिव गाय आई एम सो हैप्पी कि उसके इतने सारे शोज आ रहे हैं एंड मैं दिल से चाहता हूँ कि इससे डबल शोज करे वो दे आर माय प्रोड्यूसर्स मैंने उनके साथ तीन शोज किए हैं और मेरा जो लास्ट शो था वो भी अल्केमी के साथ था सो आई जस्ट वांट टू विश देम ऑल द बेस्ट और बहुत सारे शोज करे एंड एज आमिर सेड सिद्धार्थ इज वंडरफुल ये बहुत कोइंसिडेंस है आज हमने बिल्कुल डिस्कस नहीं किया था हम क्या पहनने वाले हैं संजीदा प्लान करती मैं बिल्कुल प्लान नहीं करता हूँ मेरे लास्ट मिनट जो कपड़े आ जाते मैं ये पहन लेता हूँ थैंक यू क्या पहना हाँ ले ले नहीं गया Guys, by the way, did you know that Sony
चैनल जो है अभी नंबर वन हो गया और आपको आपको क्या लगता है, एक चीज़ हम लोग खुद का ढिंडोरा नहीं बजा रहे हैं यहाँ पे, सचमुच इसमें बहुत स्ट्रैटेजी, बहुत मेहनत, बहुत लगन, और मैं ये चीज़ कह सकता हूँ कि एक तरफ वत्सल सेठ, एक तरफ सिद्धार्थ मल्होत्रा, दूसरी तरफ दानिश खान, यही इंडिया है और बीच में हमारे जाहिद खान और मैं सचमुच कह रहा हूँ कि वी आर एन ऑगस्ट कंपनी। चीज़ मैं बताऊँ, सेट में हम कभी पंजा नहीं लड़ाते क्योंकि ये हमेशा जीतता है। आपने कभी वत्सल सेट का मैजिक ट्रिक्स देखे? वत्सल सेट शेट सॉरी सबसे उम्दा मजिशियन है मुंबई में, मैं बता रहा हूँ। कोई और आ गया? लेकिन वत्सल एक मैजिक ट्रिक खेले इसके साथ। पत्ते नहीं है, पत्ते नहीं है। बट दैट ट्रिक आई विल टेल यू, वो मैंने सीखा है जाहिद भाई से, उन्होंने मुझे सिखाया और किसी को पता नहीं कि मुझे सिखाने वाले ये हैं। तो बट इट्स बीन ग्रेट फन ऑन द सेट्स, वी बीन ट्रिकिंग एवरी वन एंड वी बीन फूलिंग एवरी वन, बट इट्स वी बीन हैविंग अ ब्लास्ट। द ट्रूथ इज इट टेक्स टू टू टैंगो, करेक्ट? एग्जैक्टली। बट आई जस्ट टोल्ड एवरीबडी टुडे that if it wasn't for Vatsal, I don't think I would have had a good time acting. And it's another thing ke acting ek job hai, aapko karna hai kyunki aapko per day milta hai ye wo. Lekin agar per day bhi mil raha hai, agar acting bhi karni hai aur agar bhai saman aise aadmi mila hai, to matlab aise lagta hai ki aap holiday pe ho. Likewise, same. So sahi sahi main bata. See, exactly, उन्होंने जो कहा, it's so bang on for me, it's the same, you know, it's been a sheer pleasure working with him. हम लोग ये शो जो है, it's set on a very large scale, we've shot extensively in Mauritius, वहाँ पर हमने बहुत शूटिंग की और अभी बड़ा बहुत जगह बाकी है ना, बड़ा मजा साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये वो, गाने से भी पूछते हैं अभी। एक चीज़ जो हम 100% कह रहे हैं कि ये जो शो है, इट्स डेफिनेटली बिगर एंड लार्जर देन यू नो एनी ऑफ द शोज यू हैव सीन, एंड वी बीन हैविंग अ ब्लास्ट, वी बीन हैविंग अ बॉल, देयर इज नो डाउट। देखो, जिंदगी में सब कुछ हासिल नहीं कर सकते, लेकिन हासिल वो ही है जो हर कदम हर वक्त आपको हासिल करना चाहिए, और अगर आप सब कुछ हासिल करें तो जिंदगी बहुत बोरिंग हो जाती है। लेकिन मैं यही कह सकता हूँ कि हर दिन जब हम सेट पे होते हैं तो उस दिन जितना भी हम हासिल करें और जितना भी हम हासिल कर सकते हैं वो एक जीत है हमारी। Exactly. तो well said. You know, यही कह सकता हूँ कि एवरी डे इज अ न्यू अमेजिंग डे, एंड खासकर हम एक्टर लोग को पता नहीं होता है कि स्क्रिप्ट में क्या लिखा है बियॉन्ड। ऑलराइट, my two most handsome men kya 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 timing hai nikita datta ki, mujhe pata nahi ki wo soong soong ke aati hai lekin asal mein aise hota hai. I want to know what was being spoken about here before I came. Nee, we were saying acha Vatsal please acha Vatsal ki tareef ho, galat bola tha, nikita ki tareef ho rahi hai. Acha tere sach much I am extremely, मैं क्या बताऊँ, मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे एक्टर्स ऐसे मिले भाई और गर्लफ्रेंड के रूप में कि मज़ा भी आ रहा है, दोस्ती भी है, शरारती भी है, तो बहुत बहुत ऐसी चीज़ कर रहे हैं। तो एनी वेनी की ठीक हो अरे तेरे सवाल ऐसे ए नवा लेना क्या पूछिए किसकी सेट पर की मेमोरीज तो जनरली मैं आपको सेट का माहौल बता देती हूँ।
जब भी हम तीनों सेट पर होते हैं तो जो वत्सल है और जाहिद है एक साथ मिल के, इनको मैं ही मिलती हूँ टांग खींचने के लिए, और कोई है ही नहीं, और कोई है नहीं शायद इनके पास, तो अपने अपने तरीके से दोनों मिलके मेरी इतनी ज्यादा टांग खींचते हैं। बस तू घूर घूर के मत देख, जैसे मैंने कहा हम यही कहना चाहते हैं कि हम लोग ने बहुत बहुत मेहनत की है इस शो पर, वी गिवन एवरीथिंग इन आई मीन ऑल द एक्टर्स प्रोड्यूसर्स टेक्नीशियंस, हमने बहुत बहुत मेहनत की है और ये एक ऐसा शो है कि अगर मैं इस शो में नहीं होता तो भी मैं देखता और मुझे बहुत अच्छा लगता है। नहीं, 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 एक चीज़ मैं बताऊँ, हम दर्दी नहीं चाहिए, आपको अच्छा लगा तो देखो वरना मत देखो। I was honest. Very honest, but I'll tell you something. सच कुछ यकीनन मैं कह सकता हूँ, वत्सल और निकी ने ऐसे जबरदस्त एक्टिंग की, you want to hear your praise, guys? ऐसे जबरदस्त एक्टिंग की कि अगर नहीं देखे ना तो मतलब आपके ऊपर है बस। Thank you so much. अगर नहीं देखी तो आपके ऊपर। Thank you. आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। साल हो गया, क्या विश देना चाहेंगे आप? कांग्रेचुलेशंस, इनफैक्ट सिद्धार्थ को एक साल उनके नए प्रोडक्शन के साथ हुआ है, बट ही इज डन अ लॉट ऑफ वर्क बिफोर दिस, ही इज अ डायरेक्टर प्रोड्यूसर क्रिएटिव टैलेंट एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट टैलेंट्स वी हैव इन द इंडस्ट्री, एंड बहुत खुशी की बात है। आई थिंक दर्शी के साथ काम कर चुकी है ऑलरेडी, आई नो, आई थिंक फ्रॉम हमारी शुरुआत बैक एग्जैक्टली मैंने सिद्धार्थ के साथ शुरुआत की थी, एंड एक्चुअली हिज मूवी दैट ही डायरेक्टेड वी आर फैमिली, आई थिंक आई स्टिल लाइक वाचिंग इट वंस, और मैंने उनके सारे शोज देखे, मैंने दर्शी के भी सारे शोज देखे, इनका ही बड़ा फैन हूं मैं, सो आई एम वेरी एक्साइटेड टुडे। हाँ, डिसाइड किया था, डिसाइड करके आए थे कि बाल ऐसे रखेंगे, चश्मा पहनेंगे, सब कुछ डिसाइड करके आए थे। खत्म, सॉरी, जल्दी टाइम देखिए आप। अच्छा, आपको आपको कैसे खबर मिली, आप सेट पे थे? आप थे सेट पे? आज आज जल्दी हो गया, मुझे आज कुछ काम था और सिद्धार्थ की आज प्रोडक्शन की एनिवर्सरी थी, और मैं तो वैसे भी शूट नहीं करती हूँ, दर्शी ने शो नहीं लिया क्योंकि आज पार्टी में आना था, सो एक्चुअली मुझे इतने सारे शोज मिल रहे थे पर मैंने बोला आज के दिन मैं शूट नहीं करूँगी, सो दैट्स हाउ एक्साइटेड यू। क्या होने वाला है? आई एम श्योर ये कैमरा थोड़ी देर बाद अंदर आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा पार्टी कैसी होने वाली है। यार काला सूट है, वाओ ना, व्हाट इज ऑल सो हॉट, थैंक यू। आई वुड से मिसेस मल्होत्रा, मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस फॉर दिस अचीवमेंट, यू गाइस आर डूइंग सुपर्ब एंड यू गाइस आर मेकिंग ग्रेट शोज, कीप डूइंग दैट एंड many more successful years to come. Yeah, I didn't notice actually, most of the people are wearing black, not because of heroin, trust me, I just wanted to wear black, and when I wore and when I left my house, then on the streets when I saw ki most of the people are wearing black, so then I realized it's Halloween, but that's okay now, I'm glad I wore black.
बहुत ही बेहतरीन प्रोड्यूसर है एंड लव का इंतजार उन्होंने प्रोड्यूस किया है मेरे लिए. आई वर्क विथ हिम एंड इट इज़ अ फैबुलस फैबुलस एक्सपीरियंस. वी नो हिम सिंस अ लॉन्ग टाइम बिकॉज वो मेरी सिस्टर को भी जानते थे राइट फ्रॉम द टाइम ही वाज असिस्टिंग सूरज बजियातिया जी फॉर विवाह. सो इट्स लाइक अ लॉन्ग कनेक्शन एंड आई हैड फन वर्किंग विद अल्केमी. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग विद देम ऑल ओवर अगेन. सारी लड़कियाँ ब्लैक पहन रही हैं आज बिकॉज आई थिंक वो माहौल ही ऐसा है लाइक नाइट पार्टी ब्लैक इज इन. ब्लैक शॉर्ट ड्रेसेस आर ऑलवेज इन. ऑलराइट थैंक यू. थैंक यू जी. थैंक यू. साल पहले ही जैसे स्टार्ट की थी आज काफ़ी रंग कह सकते हैं कि प्रोडक्शन हाउस में लाया है. बहुत से एंटरटेनमेंट क्या कहना चाहेंगे मुझे. एक साल में बहुत कुछ चीज़ें हुई है मेरी लाइफ में तो बहुत कुछ सीखा है. बहुत कुछ अनलर्न भी किया है तो मैं शुक्रगुजार हूँ. मेरे जितने भी लोग हैं चैनल्स जो मेरे साथ काम कर चुके पिछले 17 साल में क्योंकि मेरी शुरुआत हुई थी संजीवनी के साथ और वो करते करते एक हसीना थी एक हज़ारों मेरी मैंने बहुत से शोज किए. अब जब एल्केमी हमने शुरू किया एक साल पहले बहुत ही मुश्किल वक्त था हम दोनों के लिए और उस मुश्किल वक्त को पार करके आज एक पार्टी रखना उसी सफलता के लिए हमारे लिए उससे बड़ी बात और कुछ नहीं है. ये तो जो मेरी वाइफ है ये एक्चुअली इन्हें कोई चॉइस नहीं दिया गया. ये एक्चुअली फैशन डिजाइनर है इन्हें प्रोडक्शन के बारे में कुछ पता ही नहीं है. पर जब मुझे कोई ऑप्शन नहीं था मुझे ये प्रोडक्शन कंपनी खोलनी ही थी और फैमिली ही है वो एक माध्यम जिसे आप अपना समझ के ट्रस्ट कर सकते हैं. और ये तो मेरी बीवी है तो मैंने बोला आप सब कुछ छोड़ के अब मेरा साथ दो क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए हमारे बच्चों के लिए. तो एक इमोशनल डिसीजन था और इन्हें तो कुछ भी नहीं मालूम था. इन्हें ढकेला गया है एक प्रोडक्शन कि भाई करो संभालो. आई थिंक अभी मैं बिलीव करती हूँ कि अगर साथ होना किसी का तो कुछ भी अचीव हो सकता है. तो आई थिंक आप चाहो तो इट इज़ ईजी टू अचीव इट. सो या आई एम हैप्पी विथ जो भी हुआ. जी जी जी. मैं ऑडियंस को हासिल के लिए इतना ही मैसेज देना चाहूँगा कि बहुत ही इससे ज़्यादा मैंने आज तक कभी इतनी मेहनत किसी शो में नहीं की है. फ्रॉम जायद खान टू वत्सल. जो जायद खान पहली बार टेलीविज़न पे आ रहे हैं फ्रॉम वत्सल से टू निकिता पूरी मेरी जो टीम है डायरेक्टर्स की राइटर्स की ये पहला शो है आई थिंक मेरे हिस्ट्री ऑफ टेलीविज़न में जहाँ पे हमने पूरी कहानी लिख डाली. तो हमें आज जनरली हम TRP की वजह से हम हर हफ्ता कुछ ना कुछ नया बदलते हैं. इस शो पे पूरी 130 एपिसोड की कहानी है और पूरी 130 एपिसोड पहले लिखे गए फिर हमने 50 एपिसोड अभी शूट कर लिया है और अबाउट 20 एपिसोड डिलीवर भी कर लिया है. तो ये पहली बार मुझे लगता है मेरे हिस्ट्री में कि एक कन्विक्शन के साथ कि कन्विक्शन जनरली बदलते रहता है उस कन्विक्शन के साथ हमने काम किया है और चैनल ने हमें सपोर्ट किया है. तो मैं चाहूँगा कि अगर ये चल गया तो ये टेलीविज़न इंडस्ट्री के लिए भी अच्छा होगा और जितने भी मेरे जो कलीग्स हैं जो ये करना चाह रहे हैं उनके लिए भी अच्छा होगा. इंडस्ट्री के लगभग सारे जी आएंगे जी जी जी. किस तरह की पार्टी होने वाली पार्टी का पूरा बताइए. किस तरह की पार्टी होने वाली. ज़्यादा सब हमारे फ्रेंड्स हैं अभी रिश्ता बन गया है इन लोगों के साथ इतने सालों में. जैसे मेरे गुरु हैं सूरज बजाते हैं उन्होंने मुझे हमेशा सिखाया है और मेरे फादर ने हमेशा सिखाया है कि फैमिली
एक जब एक रिश्ता बनता है तो एक फैमिली की तरह बनता है, तो जब एक टीवी शो बनाते हैं आप रोज उसी का शक्ल देखते हो, एक साल तक उसकी उन्हीं की शक्ल देखते हो, उन्हीं यूनिट की शक्ल देखते हो, उन्हीं के साथ रहते हो, उठते बैठते हो, तो एक परिवार टाइप बन जाता है। तो आज जितने भी लोग आ रहे हैं वो सब हमसे कहीं ना कहीं जुड़े हैं इमोशनली, तो हमारी खुशी में उनकी खुशी है और उनकी खुशी में हमारी है, तो इसलिए वो आज आ रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि मज़ा आएगा। बिल्कुल सक्सेस का क्रेडिट मैं इन्हें दूंगा और बाकी जितने चैनल हैं उनको दूंगा, फेलियर का क्रेडिट मैं ले लेता हूँ। थैंक यू सर। Back in our old neighborhood. Yes. कैसे हैं सब लोग? Happy Diwali और Happy New Year सब लोग। Yeah. Roll sir. Roll. एक साल complete हो गया है। Absolutely. तो सिद्धार्थ को तो मतलब बहुत बहुत शुभकामना, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा, सिद्धार्थ के पापा और मेरे नहीं, सिद्धार्थ के दादा और मेरे दादा बहुत बहुत क्लोज फ्रेंड्स रह चुके हैं, सिद्धार्थ के पापा और मेरे पापा क्लोज फ्रेंड्स रह चुके हैं, दोनों ने प्रेमनाथ जी एंड माय ग्रैंडफादर राम कुमार बोरा, दे मेड मूवीज टुगेदर मैन, या सो हम लोग का जो रिलेशन है वो बहुत बहुत पुराना है, मतलब यू नो काफ़ी तीन जनरेशन से जुड़ा हुआ है, या सो एंड वाजिब है कि सिद्धार्थ भी मतलब ईस्ट स्टार्स प्रोडक्शन हाउस, एंड ऑफकोर्स ये तो पहला साल है, ऐसे और 100 साल बताएगा ये। पार्टी से क्या उम्मीद करते हो? मतलब आपको आए तो रॉकिंग नहीं, हम तो ऑफकोर्स आए कि एक साल कंप्लीट होगा, लेकिन जब मैंने टीजे को बताया कि हम यहाँ पर आ रहे हैं, ये टीजे की फेवरेट जगह, मतलब जब हम मिले थे ना पहली बार, पुराना नेबरहुड है, हाँ हम लोग बैंड्रा में ही रहते थे, दिस इज माय फेवरेट रेस्टोरेंट। और फेवरेट डिश कौन सी थी? पेनी नेपोली। पेनी नेपोली, या ये फिरंगी जो होते ना, हमारे तो बस पास्ता लाओ पास्ता। भाई अब जो कि हैलोवीन इज कमिंग मैन, हैलोवीन इज कमिंग, या सो वी हैव टू एक्चुअली ड्रेस अप फॉर लिटिल बिट, थोड़ा डार्क हैट्स शूज, स्पेशली अगर आप नोटिस करें तो, या प्लीज स्टेप स्टेप असाइड, पेन नहीं है, अरे नहीं वो उधर चिपकी हुई है, हाँ वो खाली स्टाइल के लिए। चलो थैंक यू सो मच।
सर।